हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हो ओ पनो पनो प्रेयर के बारे में और लव वाइब्रेशन के बारे में। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि लव वाइब्रेशन और हो ओ पनो पनो प्रेयर जो होती है, क्या हमें इसको भी लेट गो करना ज़रूरी होता है? क्या इसे भी लेट गो करना होता है? नहीं, आप इस चीज़ को समझें। जो मेडिटेशन होती है, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर होती है या लव वाइब्रेशन होती है, ये होती है आपकी एनर्जी, ये होती है आपकी एनर्जी। एनर्जी एक अलग चीज़ है, विश एक अलग चीज़ है। विश होती है एक कोई इच्छा, बट हो ओ पोनो पोनो प्रेयर एनर्जी को बैलेंस करती है, आपकी भी, दूसरे पर्सन की भी, आपके रिलेशनशिप को हील करती है। मेडिटेशन में भी आपकी वो एनर्जी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव वे में चेंज कर कर आपको हाई वाइब्स देती है। और ऐसे ही लव वाइब्रेशन में आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो चेंज होती है, और जैसी एनर्जी आपकी बॉडी से रेडिएट होती है वही एनर्जी उस सामने वाले पर्सन को जो है मिलती है, वही एनर्जी उस सामने वाले पर्सन को पहुँचती है। इसलिए ये हो ओ पोनो पोनो प्रेयर, मेडिटेशन एंड लव वाइब्रेशन, इनका कभी भी आपको लेट गो करना नहीं होता। आप इनको अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी में, रेगुलरिटी में करते रहे, क्योंकि इसका कभी भी आपको लेट गो नहीं करना। क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बैलेंस रहता है। हो ओ पोनो पोनो प्रेयर भी आपकी हीलिंग करती हैं, आपकी जिसको भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ओ पोनो पोनो प्रेयर के थ्रू, या रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, उस पर्सन की भी हीलिंग होती है। आपके कर्माज हील होते हैं, आपके जो पास्ट कर्माज हैं वो हील होते हैं। मेडिटेशन से आप पीस में जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लव वाइब्रेशन में जहाँ पहले आप नेगेटिव थे, नेगेटिव थॉट्स भेजते थे, वो उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट अब आप वहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, आप पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर भेजते हो, ये लव वाइब्रेशन होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। सो एनर्जी को आपने हाई ही रखना है। तो ये एनर्जी से जैसे जुड़ी हुई हैं, आपको अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना है, तो आप इन चीज़ों का कभी भी लेट गो नहीं करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो ये रूल है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, तो ये चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को हाई करती हैं। विश एक अलग चीज़ है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ना एक अलग चीज़ है। यस, जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तब वो जो आपकी विश है, जो आप चाह रहे हो, वो बहुत ईजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। ये सिंपल सा फंडा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे से कुछ छोटी मोटी कोई वॉइस में प्रॉब्लम होती रहे तो यार प्लीज़ इग्नोर करा करिए। पता है मेरी छोटी सी बेबी है, सो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और यार घर का भी कुछ सेटिंग होती है, अपने काम होते हैं, उसके बाद बेबी भी साथ में है मेरे, तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाती। बहुत से लोग कमेंट करते हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर सॉरी। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।